दोस्तों, आसारे कदीमा के जरिए हमें जो मालूमात मिली हैं, उनकी वजह से हम इंसान की तारीख को कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस तकसीम का फायदा यह है कि हम तारीख में इन तब्दीलियों को आसानी देख सकते हैं जो इंसानी अमल के नतीजे में हुई थी। इंसान की तारीख के कदीम तर जमाने को हम शिकार और गजा जमा करने वाला अहद कह सकते हैं। इस जमाने को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला जमाना, कदीम पत्थर का जमाना, जो 20 लाख साल से 80,000 साल तक फैला हुआ था। दूसरा जमाना, दरमियानी पत्थर का जमाना, जो 80,000 साल से 40,000 साल की मुद्दत में फैला हुआ था। तीसरा जमाना, जदीद पत्थर का जमाना, जो 40,000 साल से शुरू होता है और 10,000 साल की मुद्दत तक जाता है। इन तीनों जमानों को हम आपके सामने तीन अलग अलग वीडियो के साथ पेश करेंगे। दोस्तों, इस इब्तदाई जमाने में भी इंसान अकेला नहीं रहता था, बल्कि वो ग्रोहों और गौल की शक्ल में फिरा करता था। ये इसलिए जरूरी था कि अकेले आदमी के लिए जंगली जानवरों का खतरा था, जिनसे वो अकेले में खुद को महफूज नहीं रख सकता था। साथ रहने में एक दूसरे की हिफाजत करते थे। गजा की तलाश में इन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। इस सूरत में हर एक के लिए काम करना जरूरी था। किसी को बगैर मेहनत किए खाना नहीं मिल सकता था। उस वक्त ये दूसरे जानवरों की तरह ग्रोहों में फिरते थे और हर वक्त जो भी मिलता उसे खाते रहते थे। उस वक्त तक वो ज़राअत और काश्तकारी से वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें ये अंदाजा था कि मवेशियों को पाला जा सकता है। अंदाजन उस वक्त लोग 20 से 30 के ग्रोह बनाकर रहा करते थे। इब्तदा में गजा हासिल करने का जरिया दरख्तों और पौधों के फल, जड़ें, बीज, अखरोट, घूंगे, नई कोंपले, कीड़े मकोड़े और पत्ते हुआ करते थे। ये बेर फल जमा कर लेते थे और उन्हें खाकर पेट भरते थे। इसके अलावा गजा के लिए उनकी दूसरी दरियाफ्त परिंदों के अंडे और मछलियाँ थी। इस सिलसिले में इंसान कई तजर्बात से गुजरा होगा कि कौन सा फल, पौधा या बीज खाने के काबिल है या नहीं। घूमने फिरने के बाद इसे ये मालूम हुआ होगा कि ये दरख्त, पौधे और जानवरों के अंडे कहाँ मिलते हैं और ये कि मछलियों को कैसे पकड़ा जाए। दोस्तों, अपनी गजा को हासिल करने का दूसरा मरहला जानवरों और परिंदों का शिकार करना था। शिकार के लिए जरूरी था कि लोग मिलकर इसे तलाश करें और फिर इसे पकड़ें। इब्तदा में ये मुश्किल था क्योंकि उसके पास ना हथियार थे और ना औजार। उसे ये शिकार अपने हाथों से पकड़कर करना होता था। इसलिए यहाँ भी लोगों को आपस में एक दूसरे की मदद की जरूरत थी। जब इसने बड़े जानवर शिकार करना शुरू किए तो इसे बड़ी मिकदार में गोश्त मिलने लगा। इस वजह से इसमें दो आदतें पैदा हुई। एक तो ये कि वो भूख से ज्यादा खाता था क्योंकि उसे पता नहीं होता था कि इसे दोबारा ये गोश्त मिलेगा या नहीं। दूसरे, अगर वो गोश्त का जखीरा नहीं कर सकते थे तो दूसरे ग्रोहों को इसमें शरीक कर लेते थे। गोश्त को बतौर गजा इस्तेमाल करने का नतीजा ये हुआ कि फलों और सब्जियों के मुकाबले में उसे इस गजा से ज्यादा तवानाई मिलने लगी। खाने के बाद इसे फुर्सत के लम्हात भी मिलने लगे। इन्हीं लम्हात में इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझना शुरू किया और इसके दिमाग ने पत्थर के इस्तेमाल पर गौर करना शुरू किया, जिसके नतीजे में इसने पत्थर के औजार और हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब इसने औजारों की मदद से गजा हासिल करनी शुरू कर दी। उनके जरिए वो जड़ें खोदता, जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकालता और जानवरों और परिंदों का शिकार करता। दोस्तों, कदीम पत्थर के जमाने में लोग एक जगह नहीं रहते थे। ये गजा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। गर्मी या सर्दी से बचने के लिए या जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए ये वक्ती तौर पर गारों या चट्टानों पर अपना ठिकाना बना लेते थे। चूँकि ये हर वक्त इधर से उधर जाते रहते थे, इसलिए इनके पास बहुत कम सामान हुआ करता था। खानाबदोश लोग चूँकि एक जगह आबाद नहीं रहते थे, इसलिए वो कोई यादगार नहीं छोड़ते थे। वो अपने साथ सिर्फ इन चीजों को रखते थे जो उनको रोजमर्रा की जरूरियात के लिए लाजिम हो। इस वजह से इनके यहाँ इजादात नहीं होती है। उनका जमीन से रिश्ता भी नहीं होता। उनका कल्चर महदूद होता है। उनके तजुर्बात भी कम होते हैं। उनका रिश्ता जानवरों, मवेशियों और फितरत से होता है, इसलिए इस जमाने के बारे में मालूमात बहुत कम मिलती है। आसारे कदीमा के माहिरीन ने कदीम पत्थर के जमाने के लोगों के कैंपों को दरियाफ्त किया कि जहां उन्होंने कुछ अरसा कायम किया था। एक जगह बड़ी तादाद में पत्थर के औजार मिले हैं, उससे ये मतलब निकाला गया कि इस जगह उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अरसा कायम किया। कुछ जगहों पर टूटे फूटे औजार मिले, उसका मतलब है कि उन्होंने इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया था। कुछ कैंपों से आग के इस्तेमाल का पता चला है, उसकी निशानियाँ जली हुई हड्डियाँ और राख है। ये भी अंदाजा लगाया गया है कि लोग ऐसी जगहों पर ज्यादा रहते थे जहाँ उन्हें आसानी से पत्थर मिल जाया करते थे, ताकि वो इनसे औजार और हथियार बना सकें। वो ऐसी जगहों पर भी ज्यादा रहते थे कि जहाँ जंगल हों, ताकि जानवर और फल वगैरह काफी मिकदार में मिल जाएं। दोस्तों, बात करें कि अगर हम औजारों और उनकी इजादात के बारे में गौर करें तो तारीख हमें बताती है कि किसी एक औजार या हथियार की इजाद के पीछे इंसान का तजर्बा और उसका मुशाहिदा था। उसकी जहानत इसे अमली शक्ल देती है। जब भी इंसान को इजाद करता है या कोई नई चीज बनाता है तो वो सोचता है कि इसे किस मकसद और काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके फायदे क्या होंगे, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हम देखते हैं कि जब भी इंसान ने नए औजार बनाए या उनमें तब्दीली की तो उसके नतीजे में तब्दीली आई। उसने इंसान और समाज को बदला।
जिससे एक नए जमाने की इब्तदा हुई, एक नए दौर का आगाज हुआ। दोस्तों बिल्कुल इब्तदा में इंसान ने अपने हाथों को बतौर हथियार और औजार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका तजर्बा बढ़ा, इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखा तो इससे पत्थर और दरख्तों की शाखें नजर आईं कि जिनसे इसने अपनी हिफाजत की। इसलिए इसकी पहली हैसियत औजार इस्तेमाल करने वाले की थी। बाद में इसने पत्थरों के औजार बनाए तो वो औजार बनाने वाला बन गया। शुरू शुरू में इसने पत्थरों को बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल करना शुरू किया। वो इन्हें ताकत के जरिए दूर से फेंक कर जानवरों या परिंदों को जख्मी करता था या मार डालता था, और पत्थरों को फेंक कर ही वो दरख्तों से बेर और दूसरे फल हासिल करता था। इस मरहले पर पत्थर के साथ उसकी जिस्मानी ताकत और निशानेबाजी जरूरी थी। इससे पहले कि इंसान पत्थरों को तोड़ कर उन्हें औजार की शक्ल देता, उसने इन पत्थरों को इस्तेमाल किया जो कुदरती तौर पर टूट कर तेज और नौकीले हो गए थे। जब उसने इन्हें इस्तेमाल किया और इनके नतीजे अच्छे निकले तो इसे ये तजर्बा हुआ कि अगर वो पत्थरों के औजार अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए तो उन्हें और ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा उसने ऐसे पत्थरों की तलाश शुरू की जिन्हें वो तराश खराश कर औजार बना सके। दोस्तों औजारों के बनाने में इस वक्त तब्दीली आई जब वो सब्जी खोरी से शिकार की तरफ आया। शिकार की खातिर उसने कुदरती पत्थरों को काट कर और घुसा कर तेज और नुकीला बनाया। इन औजारों ने इंसान के हाथों को एक नई ताकत दी। अब वो इन औजारों की मदद से तोड़ने, काटने और टुकड़े करने लगा। माहिरीन को कदीम पत्थर के जमाने के जो औजार मिले हैं उनकी मुद्दत 20 लाख साल कबल मसीह से 10 लाख साल कबल मसीह तक की है। माहिरीन को ऐसी जगह मिली है कि जहां पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उन्हें एक तरह से वर्कशॉप भी कहा जा सकता है। पत्थरों से औजार बनाने का एक तरीका तो ये था कि उन्हें काट कर या घिसा कर नुकीला और तेज धार वाला किया जाए। दूसरा तरीका ये था कि पत्थर को पत्थर से मार कर इसे नुकीला या धारदार बनाया जाए। दोस्तों माहिरीन को इस जमाने के जो औजार मिले हैं उनमें से एक तो वो है कि जिन्हें हाथ में पकड़ कर फेंका जाता था। बाद में इसमें तब्दीली आई और इसको हाथ से पकड़ा जाने लगा और उसकी शक्ल मौजूदा दौर के हथौड़े की हो गई। अब उसे फेंकने की बजाय हाथ में मजबूती से पकड़कर शिकार पर हमला किया जाने लगा। इसे काटने और तोड़ने का काम भी लिया जाता था। तीसरी किस्म में ऐसे औजार थे कि जिनके जरिए गोश्त को टुकड़े टुकड़े किया जाता था। ये औजार एशिया और यूरोप दोनों जगह पर मिले हैं और एक ही शक्ल और मयार के हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जानवरों का शिकार करके गोश्त तो खाने के काबिल होता था, मगर बड़े जानवरों की हड्डियां बाकी रह जाती थी। लिहाजा इंसान ने सोचा कि इन हड्डियों को भी औजार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने इनसे चाकू और कांटे की शक्ल के औजार बनाए। मजीद तजर्बे के बाद इसने हाथी दांत को भी अपने औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों चूंकि इंसान की गजा का सबसे बड़ा सहारा शिकार था, इसलिए इसकी कोशिश थी कि ऐसे औजार और हथियार बनाए कि जिनसे शिकार करने में आसानी हो। खासतौर से बड़े जानवरों को शिकार करना मुश्किल काम था। जब वो इन हथियारों के साथ इनके करीब जाता तो जानवर भी अपनी हिफाजत के लिए इस पर हमला कर देते। लिहाजा उसके दिमाग में ये आया कि अगर एक लंबी लकड़ी लेकर उसके सिरे पर नुकीला पत्थर या नुकीली हड्डी बांध दी जाए तो दूर से शिकार पर हमला किया जा सकता है। इसके नतीजे में इसने नेजा या भाला बनाया। माहिरीन के मुताबिक इसने इंसान के हाथ को और ज्यादा लंबा कर दिया। पहले की तरह इसे दूर से फेंक कर निहत्ता नहीं हो जाता था। दोस्तों ये थी इंसान के पत्थर के जमाने की मुख्तसर सी दास्तान। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी जमाने को हम अगली वीडियो में मुकम्मल जरूर करेंगे और बात करेंगे कि इंसान ने जुबान कैसे सीखी और आग किस तरह पैदा की। गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में पत्थर के जमाने के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।